देखते हैं दो कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए, ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हैं और कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, x1 y1 x2 और y2। चलिए यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं, x1 की प्लेस पे क्या राइट करेंगे, 2 राइट करेंगे, x2 की प्लेस पे 4 राइट करेंगे और होल ऑफ स्क्वायर लगा देंगे, y1 की प्लेस पे आ जाएगा हमारा 3, y2 की प्लेस पे आ जाएगा 2, स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद में देखिएगा सॉल्व करेंगे आगे, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 स्क्वायर प्लस, यहाँ भी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होता है और दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा रूट 8 और रूट 8 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 रूट 2 यूनिट। तो इस तरीके से क्या है, गिवन कोऑर्डिनेट की हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना।